स्वागत है आप सभी का स्टडी हाइपर, और आज हम आपके लेके आए हैं गिरिराज न्यूज़पेपर के ऊपर डिस्कशन। और पहले मैं बताना चाहूँगा कि गिरिराज न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ है, ये 7 मार्च को पब्लिश हुआ है, और इस पर हम डिस्कशन करेंगे। 7 मार्च वाले गिरिराज वीकली जो पब्लिश होता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें देखिए, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मेरे हिसाब से नहीं आई है इस वाले न्यूज़पेपर में, क्योंकि जो हमने करंट अफेयर्स कवर किए हैं इस वाले न्यूज़पेपर में, वो भी मुश्किल से ही कवर किए गए हैं। तो चलिए, फिर भी मैं इस पर डिस्कशन लेके आया हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसमें हम आर्टिकल डिस्कशन करेंगे, और अगर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा तो उसमें डिस्कशन करेंगे, ताकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी करंट अफेयर्स का सवाल या कोई भी पॉइंट ना छूट जाए आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें इस पर डिस्कशन किया जाएगा, और अगर आपको लगता है कि हमें कोई और डिस्कशन भी करना चाहिए, कोई और न्यूज़पेपर को भी लाना चाहिए, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आपके कमेंट्स के हिसाब से हम एक वीडियो उसके ऊपर ज़रूर लेके आएंगे, और डेली बेसिस पे भी ला सकते हैं अगर आप उस पर अच्छा सा रिस्पॉन्स देंगे तो, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मतलब मेरे हिसाब से 8 से 10 न्यूज़ हैं जिसको मेरे को कवर करना है इसमें, और उसके बाद हम आर्टिकल डिस्कशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहली न्यूज़ से। जी हाँ, तो पहली न्यूज़ है, देखिए, एक अभियान चलाया गया है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है एक ईंट शहीद के नाम, और इसमें इसके जरिए बनाई जाएगी, हर जिले में जो हमारे जिले हैं उनमें एक शहीद स्मारक जरूर बनाया जाएगा। तो ये जरूर याद रखिएगा, जो मतलब जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, सोल्जर्स हुए हैं, उनके नाम पर हर जिले में एक बनेगा, एक ईंट शहीद के नाम अभियान के थ्रू वो मतलब मेमोरियल बनेगा, शहीद स्मारक बनेगा। तो जरूर इसको दिमाग में रखिएगा, और इसको मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ अपने करंट अफेयर्स में, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप उसमें इन्फॉर्मेशन जोड़ना चाहते हैं फर्दर, तो आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9815198364। तो आप उस पर अपना मतलब जो भी आप अपना पॉइंट रखते हैं इस अभियान से रिलेटेड, आप बता सकते हैं। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। तो देखिए, अगली खबर है, ई गवर्नेंस में हिमाचल को 4 पुरस्कार मिले हैं। जी हाँ, और ये जो ई गवर्नेंस है, जो हिमाचल प्रदेश ने 4 प्राइजेस जीते हैं, तो ये जो इवेंट हुआ है, ये याद रखिएगा, पहली बात 2017-18 के लिए जो पुरस्कार दिए गए, राष्ट्र पुरस्कार दिए गए, ये हुआ हैदराबाद में, जो तेलंगाना की राजधानी है, और जो ई गवर्नेंस पर ये आयोजित हुए हैं 21वें राष्ट्र सम्मेलन के दौरान, ये हिमाचल प्रदेश को 4 प्राइजेस मिले हैं, तो जरूर याद रखिएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन ये है, जो मैंने शायद करंट अफेयर्स में कवर नहीं हो पाई थी मुझसे, वो ये है कि जो डॉक्टर पूर्णिमा चौहान हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को लीड किया था इस इवेंट में, तो उनका नाम जरूर याद रखेगा, ठीक है। डॉक्टर पूर्णिमा चौहान ने नेतृत्व किया था, जो दल हिमाचल प्रदेश का गया था इस इवेंट को ज्वाइन करने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगली जो खबर है वो इम्पोर्टेंट है हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी उनके लिए, कि जो हमारा प्रदेश है उसमें 200 पद भरे जाएंगे आयुर्वेदिक चिकित्सकों के, तो एक अच्छी खबर है उनके लिए। और इसमें जो मतलब देखिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो डिस्कस मेरे को लगता है वही मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगी है कि नई अबकारी नीति एक अपना 2018-19 के लिए इसकी स्वीकृति कर दी गई है, और इसके तहत जो हमें प्रदेश को मिलेगा, कुल राजस्व मिलेगा, वो मिलेगा आपका 1552.88 करोड़ रुपीज मिलेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो सरकार ने किसानों के लिए एक ऋण सुविधा, जो लोन रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चलाया था, उसके लिए उन्होंने 325 करोड़ की गारंटी समर्थन जारी करेगी सरकार, ठीक है। तो इतना गारंटी देगी, 325 करोड़ रुपया देगी एज अ गारंटी, ठीक है। तो किसानों के लिए ऋण लेना आसान होगा, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो आपको ध्यान रखना है, 325 करोड़ है वो वैल्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब नज़र डालेंगे हम मिड हिमालयन परियोजना पे। देखिए, मिड हिमालयन परियोजना के बारे में मेंशन किया गया है इस बार के गिरिराज न्यूज़पेपर में, और इसके तहत जो मिड डे हिमालयन परियोजना, पहली बात ये है क्या, देखिए ये मिड डे हिमालयन परियोजना क्या है, इसके तहत जितने भी हमारे प्रदेश के जो पानी के कूलें हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा, और जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके हैं उनको अच्छे से हर जगह, हर विलेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये मिड डे हिमालयन परियोजना उसके तहत है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इलाकों में हिमाचल प्रदेश के फायदा हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की काफ़ी किल्लत होती है। और देखिए, इसी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, जो मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। तो बहुत ही अच्छे आर्टिकल डिस्कशन किए हैं, जो आपकी लेटर राइटिंग वगैरह, सॉरी, एसे राइटिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और आप कहीं पर भी
डिस्कशन कर सकते हैं और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी हैं। तो याद रखिएगा मिड डे हिमालयन परियोजना, और आप इस पर गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ है ये, और इसमें जितनी भी कूलें हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा, और जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं पानी के उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस किया जाएगा ताकि पानी की आगे कोई दिक्कत ना आ सके। ठीक है, तो चलिए अगली खबर पर ध्यान देते हैं। देखिए अगली खबर है, एक जो हिमाचल प्रदेश के एक युवा खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आशीष कुमार जी, उन्होंने पदक जीता है। जी हाँ, इंडोनेशिया में इवेंट हुआ था एशियन ट्रायल खेलों में, और उन्होंने उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। और इस इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने वाली है एग्जाम के नज़रिए से कि ये जो इवेंट है हुआ कहाँ, ये इंडोनेशिया में हुआ, और आशीष कुमार जी जो कहाँ से हैं। ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है लेकिन ये कहाँ से हैं, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से हैं और सुंदरनगर के हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, सुंदरनगर के हैं, तो इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगी थी, बाकी मैंने डिस्कस की हुई है करंट अफेयर्स में भी, तो आप वहाँ से भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़। देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगी, इसमें छोटी सी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखिए हड़सड़ का गौरी शंकर मंदिर के बारे में इसमें बताया गया है, और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम की नज़र से मुझे लगी, पहली बात ये आपका जो भरमौर में पड़ता है 13 किलोमीटर है वहाँ से, सो उसके बाद अगर जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इस मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो राजा मेरुवर्मन के शासनकाल के दौरान हुआ था, और राजा ने स्वयं आकर यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, जो हड़सर का गौरी शंकर मंदिर है वो किस राजा के शासनकाल के दौरान बना, तो वो है राजा मेरुवर्मन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से जुड़ी हुई। तो इसके तहत इस वर्ष जो है 66.2 करोड़ आवंटित किए गए हैं 2017-18 के साल जो भी बीता है, तो उसमें जो सरकार ने दिए थे वो दिए हैं इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 66.02, तो 66.02 करोड़ रुपीज़ दिए हैं। और देखिए जो इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के या पूरे इंडिया में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये उद्देश्य होता है कि वहाँ पर साफ पानी और अच्छा पानी मुहैया कराया जा सके, और जितनी भी स्टेट ने जो इम्प्लीमेंट की हैं अपनी योजनाएं वाटर रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उनको इस में मतलब और बूस्टअप किया जाए और भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी अच्छा काम किया 2017-18 में, सॉरी 2017-18 में ही। तो इस वर्ष 2018 के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कितना फंड रिलीज किया है, वो किया है 76.73 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इस वर्ष होंगे उपलब्ध कराए जाएंगे 76.73 करोड़ रुपए, तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आर्टिकल डिस्कशन की ओर। चलिए अब शुरुआत करते हैं आर्टिकल डिस्कशन की। तो देखिए आर्टिकल डिस्कशन में मैं ये बताना चाहूँगा कुल चार बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे जो आर्टिकल लगे उन्हीं के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है नारी युग के आगमन की शुरुआत। देखिए ये जो आर्टिकल लिखा है ये लिखा है डॉक्टर जगदीश गांधी जी ने, और जो इसमें जो लिखने वाले हैं वो इस तरफ पर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं ने चलते हुए इस सदी में या इस वर्ष में या जितना भी समय अभी चल रहा है उसमें किस तरह से उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट पे, और आपको पता ही है महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया है पूरे विश्व में, तो उसके ऊपर नजर डालते हुए किस तरह से महिलाओं के साथ महिलाओं की स्थिति के वर्णन किया है, किस तरह से उनकी जो उनके साथ गलत हुआ है या हो रहा है, और किस तरह से महिलाएं उन चीजों का डटकर सामना कर रही हैं, और वो उन महिलाओं के बारे में भी इसमें मेंशन किया हुआ है जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने अब हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है और खुद का भी नाम रोशन किया है। तो इस पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। देखिए इसमें जो डिस्कशन किया हुआ है उन्होंने कि सबसे पहली बात उन्होंने महिला शब्द में का जो शाब्दिक अर्थ है, जो मही मही शब्द आता है महिला में, उसका मतलब होता है जो हिला देने वाला। ठीक है, जो हिला दे सब कुछ, ठीक है, उसको कहते हैं महिला में मही शब्द का मतलब। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द काम की बात जो उन्होंने डिस्कस की हुई है कि काफ़ी कुछ जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है और कई चीज़ें ऐसी हैं जो समाज को गलत दिशाओं में ले जा रही हैं। सबसे जो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कई छोटी उम्र की लड़कियां जो महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा बलात्कार या जो भी भ्रूण हत्या सोसाइटी में चलती है जो हमें सुनने को मिलती हैं, और कई जो टीवी न्यूज़ चैनल हैं जो मीडिया है जो भी सिनेमा है वो उसको इस तरह से प्रकाशित करती है दिखाती है, जो हमारे जो युवा हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, उनके मन में इस तरह से इमेजेस क्रिएट होती हैं कि वो गलत दिशा गलत ओर बढ़ते हैं, और नारी या स्त्री के खिलाफ या उनके
अगेंस्ट कोई गलत कदम उठाते हैं। तो पहली चीज उन्होंने मीडिया को कवर किया है कि मीडिया को इस तरह से छवि प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये बात बताई है कि किस तरह से जो वुमेन्स हैं उन्होंने कैसे समाज में बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में काम किया है, और उसका एक बेस्ट एग्जांपल दिया है हिमाचल प्रदेश के नज़रिए से। तो वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए जो राज्य की महिलाएं हैं वो कृषि और बागवानी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं ले रही, वो हर जगह अच्छे से हिस्सा ले रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं जो प्रतिभा जम्वाल हैं, जिन्होंने सागर की परिक्रमा की है, जो नौसेना में है, कुल 6 सदस्य दल की वो एक मेंबर थी। तो प्रतिभा जम्वाल जिन्होंने पूरे सागर की परिक्रमा की है, उनका नाम आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और गीता वर्मा जिनका नाम अभी स्वास्थ्य संगठन द्वारा सम्मानित हुई हैं वो भी, तो गीता वर्मा का भी नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है आंचल ठाकुर को, जो कि स्कीइंग में भारत का नाम रोशन किया है जिन्होंने, और महिला क्रिकेट में हिमाचल प्रदेश से सुषमा वर्मा का भी नाम मेंशन किया है। तो काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम गौरव किया है, और इवन जो एक दिखाया है कि वो भी किसी से कम नहीं है, पुरुषों से कम नहीं है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सरकार ने भी पूरा साथ दिया है उनको आगे बढ़ने के लिए, और उसी के तहत एक जो हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है जो स्त्रियों की सुरक्षा के लिए, वो है गुड़िया हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। तो आप इस तरह से उन्होंने इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस किया है, तो आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा वो मैंने डिस्कस किया है। तो आप इसको अपनी एसे राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन पॉइंट को, जो हिमाचल प्रदेश की जो जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी है, वुमेन पर्सनैलिटी है, उनके रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे आर्टिकल की, जो है विकास में दूरदर्शी नजरिया, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल में क्या है, सबसे पहले ये बताया गया है कि डेवलपमेंट विकास है क्या, विकास की परिभाषा को समझाया गया है। तो ऐसा कोई भी काम जो प्रदेश की आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर करे प्रदेश को और समाज को एक सकारात्मक डायरेक्शन की तरफ बढ़ाए, उसी को एक तरह से विकास की परिभाषा में परोया है लेखक ने। लेकिन उसको आगे चलते हुए थोड़ा थोड़ा उन्होंने पॉलिटिकल इशू की तरफ बढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें उन्होंने सिर्फ इसी बात पर स्ट्रेस दिया है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या है विकास के रिलेटेड। तो सिर्फ इस आर्टिकल में उन्हीं के बारे में बताया गया है कि उनका विजन क्या है। तो इसमें जल्दी से हम क्विकआउट करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने अभी जो बैठक हुई है योजना बोर्ड के साथ, उसमें जो विकास परियोजनाएं हैं उनको सफल बनाने के लिए खुद के जो सुझाव दिए हैं उसकी अगर बात की जाए तो उनके मुकाबले उनके नज़रिए से देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि हर साल योजनाएं बनाई जाती हैं और हर साल हर सरकार इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बहुत जगह प्रॉब्लम दिखती हैं। तो इस बार जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि एक अलग नज़रिए से, एक लाइन से पीछे हटकर अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, और उन्होंने जो अपनी विजन को डिस्कस किया है वो ये है कि जो हिमाचल प्रदेश में जितने भी विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, प्रदेश में विद्यमान 27,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता में से अभी तक 10,500 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पाया है। देखिए उन्होंने कहा है कि जितनी भी योजनाएं हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, और 27,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता कर सकता है हिमाचल प्रदेश, लेकिन फिर भी वो 10,500 मेगावाट ही उत्पादित कर पा रहा है। तो एक सवाल उठाया है उन्होंने मीटिंग के दौरान और उसी के ऊपर ये नज़र डाल रहे हैं, ठीक है। तो एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इससे जो हिमाचल प्रदेश है वो बहुत ज़्यादा धन कमा सकता है और रोज़गार की भी बहुत सारी जॉब्स निकल कर आ सकती हैं, अगर इस और अच्छे से और भी बेहतर से जो एडमिनिस्ट्रेशन है काम करे, तो बहुत सारी जॉब्स और बहुत सारा फंड हिमाचल प्रदेश को आ सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो जिस तरफ आर्टिकल ले जा रहा है वो ये है कि देखिए पर्यटन भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है इकोनॉमी का हिमाचल प्रदेश का। तो पर्यटन में जितना ज़्यादा हो सके उसमें काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जॉब्स क्रिएट की जाएं, और जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनको सैलानियों को आकर्षित करने के लिए एक सर्किट तैयार किया जाए ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी आए घूमने के लिए। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल देते हुए उन्होंने डिस्कस किया है की गोम्पा को। देखिए की गोम्पा जो है, जो हमारे अभी
26 जनवरी की परेड हुई थी, वहां पर की गोम्पा हिमाचल प्रदेश की एक झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो कि एक आकर्षण बना है, जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनसे जुड़ा हुआ था, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था की गोम्पा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल में उनका कहना ये है कि उसे सिर्फ प्रदेश ने ही देखा, पूरे विश्व ने देखा, ठीक है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो उसके तहत अगर उस पर की गोम्पा जैसी ही चीजों पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल बनाए जाएं और उनको एडवर्टाइज किया जाए, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया हो सकते हैं प्रदेश की इनकम के लिए और जॉब सोर्सेस के लिए भी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी मतलब धार्मिक स्थल हैं जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उनको अच्छे से अभी तक मतलब प्रोजेक्ट नहीं किया गया है और अभी भी वो कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो इस आर्टिकल में उन पर थोड़ा फोकस किया गया है कि उनको सरकार को बढ़ाना चाहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा नए जॉब्स क्रिएट हो पाएंगे। और आगे उन्होंने इस आर्टिकल में डिस्कस किया है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी अलग अलग डिशेज हैं, व्यंजन हैं, जो कि ना कि बड़े होटलों के साथ साथ जितने जो छोटे व्यवसाय करते हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर भी बनाए जाते हैं, तो उनको भी फेमस अगर किया जाए, मशहूर एडवर्टाइज किया जाए, तो काफ़ी ज़्यादा पर्यटक अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, विजिट करेंगे और एक युवाओं के लिए रोजगार का, स्वरोजगार का एक मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया बन सकता है। और उसमें एक और उन्होंने मतलब मोती पिरोया हुआ है आगे कि जो हिमाचल प्रदेश की आपकी जितनी भी जलवायु है, मतलब जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो बागवानी के लिए बहुत ही बढ़िया है और सब्जी उत्पादन के लिए भी बढ़िया है, तो उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो उसके लिए भी सरकार कोशिश करे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो काम करें, तो और भी ज़्यादा फायदा हो सकता है हिमाचल प्रदेश को। तो एक ये नज़रिया है हमारे हमारे मुख्यमंत्री जो श्री जयराम ठाकुर जी हैं, उनका नज़रिए को ही प्रकट किया है उसमें कि किस विजन से वो चल रहे हैं। और ये है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि वो ये सब कर पाते हैं, क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाता है, वो एक सवाल है। वो अब देखते हैं कब वो इस पर डिस्कशन कोई लिखेगा आर्टिकल, ठीक है। तो हम ये देखिए, मेरा नज़रिया नहीं है, ये उन्हीं का नज़रिया है, तो मतलब यही बात कर रहे हैं। इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है मेरे नज़रिए से, तो लेकिन ये उनका नज़रिया है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आर्टिकल ने जिसने लिखा है उसके नज़रिए से ही मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। देखिए जो आखिरी आर्टिकल है वो ये है, जैविक खेती ने खोला उन्नति के द्वार, और जो लिखने वाली हैं वो है सोनिया चोपड़ा जी, ठीक है। तो ये इनका एक पर्सपेक्टिव है, और इस आर्टिकल में अगर मैं ओवर आउटलाइनिंग दूं मैं आपको अगर, तो इसमें बात की गई है जो ऑर्गेनिक खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उसका क्या एडवांटेज है और वो किस तरह से बेनिफिशियल है जितने भी लोग हैं उनके लिए, और किस तरह से वो रोजगार का एक साधन बन रहा है, युवा किस तरह से बढ़ चढ़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं और उसको अपना रहे हैं एक रोजगार के जरिए के तौर पर, तो उसके ऊपर लेखक ने लिखा है, काफी अच्छे से लिखा है। और इसमें थोड़ा सा मुझे जो चीज लगी कि उस ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है इस आर्टिकल में, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें अब एक मतलब टॉपिक जो आया है वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, ठीक है। तो उसी के इर्द गिर्द ये आर्टिकल घूमता है, ठीक है। तो काफी इंफॉर्मेटिव है, तो इसके ऊपर अब डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए इस आर्टिकल में जो सबसे पहली चीज जो डिस्कस की गई है, आर्टिकल लिख रहे हैं कि वो एक पहले भारत के बारे में समझा रहे हैं, किस तरह से भारत में जो भारत की जो आबादी है वो किस तरह से कृषि पर निर्भर है। तो आपको ये पता ही है कि जो इंडिया है वो आपका एक कृषि प्रधान देश है, जो लिखा भी कहा जाता है, और काफी ज्यादा जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर भी आश्रित है, ठीक है। तो तकरीबन 70% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है भारत की, और ये 50% से ज़्यादा आबादी रोजगार भी उपलब्ध करा रही है, और जो 50% जो लोग हैं वो आज भी भारत के मतलब रोजगार जो कमा रहे हैं वो कृषि मतलब उत्पादन के थ्रू ही कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात वो आगे जोड़ते हैं कि जो जैविक खेती है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल की तरह आई है और वो बहुत ही अच्छे फायदा कर रही है लोगों को। और सबसे पहला जो राज्य था वो याद रखिएगा वो सिक्किम था, ठीक है, जिसने ये इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर केरल है जिसने इम्प्लीमेंट किया है, और जो तीसरे नंबर पर इम्प्लीमेंट करने वाला जो स्टेट बनने वाला है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, पहला सिक्किम था, दूसरा केरल है, और तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश होने वाला है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि
आर्टिकल में आगे बात करते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता इस खेती के दौरान। जितनी भी जो भी खाद बनाई जाती है, जो भी इस्तेमाल किया जाता है कीटनाशक के तौर पर, वो जो चीज़ होती है वो सिर्फ मतलब किसी को हार्म नहीं करती है, बेनिफिशियल होती है और मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखती है, प्रोडक्टिविटी को बनाए रखती है और प्रोडक्शन ज़्यादा देती है, बीमारी नहीं लगने देती है क्रॉप्स को। तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, अभी इम्प्लीमेंट होगा तो हिमाचल प्रदेश में उसके ऊपर आगे और भी इन्फॉर्मेशन और भी आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने एक मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर कोई वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, उससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग को इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें जो डिस्कशन किया गया है कि काफ़ी सारी जो लोग हैं अब वो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की ही, और काफ़ी ज़्यादा एरिया अब कवर हो रहा है। ठीक है, प्रदेश में लगभग 80% जो जो खेती है वो सिर्फ वर्षा के ऊपर निर्भर करती है हिमाचल प्रदेश की, और जो आपकी और जैविक खेती है उसने मतलब ऐसी क्रॉप्स या ऐसी मदद करती है कि वो कम वर्षा में भी जो आपके जो भी आप क्रॉप के हैं वो अच्छे से ग्रो कर पा रही हैं। और यही एक इम्पॉर्टेंट फोकस है देने वाला कि जैविक खेती में इस चीज़ से भी निपटारा किया जा रहा है कि जो ऐसी फसलें जो पानी की डिमांड बहुत करती हैं उनको इस टेक्निक के थ्रू ग्रो किया जाएगा और काफ़ी प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और प्रेजेंटली जो प्रदेश में अब तक लगभग 40,000 से ज़्यादा किसान जो है पंजीकृत हो चुके हैं, और 22,000 हेक्टेयर जो खेती है वो जैविक खेती की अंडर लाई जा चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिमाचल प्रदेश में। और अभी तक ये देखा गया है कि 31 मार्च 2018 तक 25,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर जैविक खेती होने की पूरी संभावना है। तो देखिए जो आपका 31 मार्च आने वाला है तो ये अनुमान लगाया जा रहा है तकरीबन 25,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा भूमि जैविक खेती के अंडर आ जाएगी और उसके और ऑर्गेनिक फार्मिंग को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस आर्टिकल में पूरा जो था वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ही डिस्कशन किया गया, तो मेरे को जो लगा तो मैंने वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपसे डिस्कस किया है। तो इसमें आप जो इम्पोर्टेंट बात रखने वाली है दिमाग में कि कितना प्रतिशत हिस्सा है जो कृषि पर निर्भर है इंडिया का, और 80% खेती जो वर्ष पर निर्भर करती है वो वर्षा पर निर्भर करती है 80%। ठीक है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा और आपको फायदा। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया है तो जो डिस्कशन पसंद आया है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको चाहते हैं कि और कोई और न्यूज़पेपर का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।